हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के इम्पोर्टेंट सेक्शंस पार्ट 4। सो फ्रेंड, यह वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे हम पार्ट 4 में इम्पोर्टेंट सेक्शंस। अब इसमें चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 27, इसमें द जजमेंट। अब सेक्शन 53 जजमेंट, सेक्शन 354 लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट, सेक्शन 355 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जजमेंट, सेक्शन 356 ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, सेक्शन 357 ऑर्डर टू पे कंपेंसेशन, सेक्शन 357A विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम, सेक्शन 357B कंपेंसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326A और सेक्शन 376D ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 357C ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, सेक्शन 358 कंपेंसेशन टू पर्सन्स ग्राउंडलेसली अरेस्टेड, सेक्शन 359 ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, सेक्शन 360 ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन, सेक्शन 361 स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टन केसेस, सेक्शन 362 कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट, सेक्शन 363 कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द अक्यूज एंड अदर पर्सन्स, सेक्शन 364 जजमेंट वेन टू बी ट्रांसलेटेड, सेक्शन 365 कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब चैप्टर 28, इसमें है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। इसमें सेक्शन 366 देखेंगे, सेंटेंसेस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन, सेक्शन 367 पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन, सेक्शन 368 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनुअल कन्विक्शन, सेक्शन 369 कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय टू जजेस, सेक्शन 370 प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सेक्शन 371 प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। अब चैप्टर 29 अपील्स, सेक्शन 372 नो अपील टू लाय अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, सेक्शन 373 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, सेक्शन 374 अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, सेक्शन 375 नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, सेक्शन 376 नो अपील इन पिटी केसेस, सेक्शन 377 अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, सेक्शन 378 अपील इन केस ऑफ अक्विटल, सेक्शन 379 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टन केसेस, सेक्शन 380 सेक्शन 380 स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टन केसेस, सेक्शन 381 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड,
सेक्शन 382 पिटीशन ऑफ अपील, सेक्शन 383 प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल, सेक्शन 384 समरी डिसमिसल ऑफ अपील, सेक्शन 385 प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील नॉट टू डिसमिस समरीली, सेक्शन 386 पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट, सेक्शन 387 जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट, सेक्शन 388 ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट, सेक्शन 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल, सेक्शन 390 अरेस्ट ऑफ अक्यूज इन अपील फ्रॉम अक्विटल, सेक्शन 391 अपीलेट कोर्ट मे टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन, सेक्शन 392 प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, सेक्शन 393 फाइनलिटी ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑन अपील, सेक्शन 394 अबेटमेंट ऑफ अपील। अब चैप्टर 30 रेफरेंस एंड रिवीजन, सेक्शन 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सेक्शन 396 डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, सेक्शन 397 कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ रिवीजन, सेक्शन 398 पावर टू ऑर्डर इंक्वायरीज, सेक्शन 399 सेशन जजेस पावर ऑफ रिवीजन, सेक्शन 400 पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज, सेक्शन 401 हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन, सेक्शन 402 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेस, सेक्शन 403 ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज, सेक्शन 404 स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट, सेक्शन 405 हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। चैप्टर 31 इसमें है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। अब सेक्शन 406 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील, सेक्शन 407 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील, सेक्शन 408 पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, सेक्शन 409 विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जजेस, सेक्शन 410 विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 411 मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 412 रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। चैप्टर 32 इसमें है एजुकेशन सस्पेंशन रेमिशन एंड कमुटेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब सेक्शन 413 सेक्शन 413 में है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 368। सेक्शन 414 एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय हाई कोर्ट, सेक्शन 415 पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केसेस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 416 पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमन, सेक्शन 417 पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 418 एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 419 डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन,
सेक्शन 420 वारंट विथ होम टू बी लॉज सेक्शन 421 वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन सेक्शन 422 इफेक्ट ऑफ सच वारंट सेक्शन 423 वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन इश्यूड बाय अ कोर्ट इन एनी टेरिटोरी टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड सेक्शन 424 सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 425 हु मे इश्यू वारंट सेक्शन 426 सेंटेंस ऑन एस्केप कन्विक्ट व्हेन टू टेक इफेक्ट सेक्शन 427 सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस सेक्शन 428 पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 429 सेविंग सेक्शन 430 रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस सेक्शन 431 मनी ऑर्डर टू बी पेड रिकवरेबल एज अ फाइन सेक्शन 432 पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस सेक्शन 433 पावर टू कमिट सेंटेंस सेक्शन 433A रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ प्रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टन केसेस सेक्शन 434 कंकरेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंसेस सेक्शन 435 सेक्शन 435 में है स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टन केसेस चैप्टर 33 इसमें है प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स सेक्शन 436 देखेंगे सेक्शन 436 में है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन सेक्शन 436A है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन सेक्शन 437 है व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 437A बेल टू रिक्वायर अक्यूज्ड टू अपियर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट सेक्शन 438 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अफ्रेंडिंग अरेस्ट सेक्शन 439 स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल सेक्शन 440 सेक्शन 440 है अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ सेक्शन 441 बॉन्ड ऑफ अक्यूज एंड श्योरिटीज सेक्शन 441A डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज सेक्शन 442 डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी सेक्शन 443 पावर टू ऑर्डर सफिशियंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशियंट सेक्शन 444 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज सेक्शन 445 डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजंस सेक्शन 445 है डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजंस सेक्शन 446 प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फोरफिटेड सेक्शन 446A कैंसलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड सेक्शन 447 प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ श्योरिटी और व्हेन अ बॉन्ड इज फोरफिटेड सेक्शन 448 बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम माइनर सेक्शन 449 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446 सेक्शन 450
power to direct levy of amount due on certain recognizances. अब चैप्टर 34, इसमें है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी. इसमें सेक्शन 451 है. ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टन केसेस. सेक्शन 452, ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल. सेक्शन 453, पेमेंट टू इनोसेंट परचेसर ऑफ मनी फाउंड ऑन अक्यूज. सेक्शन 454, अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 452 और सेक्शन 453. सेक्शन 455, सेक्शन 455 में है डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबेलियस एंड अदर मैटर. सेक्शन 456, पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 457 है प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी. सेक्शन 458, प्रोसीजर वेयर नो कंप्लेंट अपीयर्स विद इन 6 मंथ. सेक्शन 459, पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी. चैप्टर 35, इसमें है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स. अब इसमें सेक्शन 460 है, इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग. सेक्शन 461, इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग. सेक्शन 462, प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस. सेक्शन 463, नॉन कंप्लायंस विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281. सेक्शन 464, इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और अब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज. सेक्शन 465, फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर ओमिशन और इरेगुलरिटी. सेक्शन 466, डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल. अब चैप्टर 36 देखेंगे. चैप्टर 36 में है लिमिटेशंस फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टन केसेस. इसमें सेक्शन 467 है डेफिनेशन. सेक्शन 468 है बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. सेक्शन 469 में है कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. सेक्शन 470, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टन केसेस. सेक्शन 471 है एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच कोर्ट इज क्लोज. सेक्शन 472, कंटिन्यूइंग अफेंस. सेक्शन 473, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टन केसेस. चैप्टर 37, मिसलेनियस. सेक्शन 479, केसेस इन विच जज और मैजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड. सेक्शन 480, प्रैक्टिसिंग प्लीडर नॉट टू सीट एज मैजिस्ट्रेट इन सर्टन कोर्ट. सेक्शन 481, पब्लिक सर्वेंट कंसर्न इन सेल नॉट टू परचेस और बीड फॉर प्रॉपर्टी. सेक्शन 482, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट. सेक्शन 483, ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूअस सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 484, रिपील्स एंड सेविंग्स. सो फ्रेंड, थैंक यू.